आलू छोले एंड बीटरूट पूरी। 300 ग्राम्स का छोले ओवरनाइट सोक करके रखा था। नेक्स्ट डे हम उसको कुकर में 1.5 ग्लास पानी डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के, एक टुकड़ा सिनेमन डाल के, आधा टीस्पून हम रेड चिली डाल के मीडियम फ्लेम में 2 सीटी लगाएंगे। मसाला के लिए आधा किलो टमाटो चाहिए, 1 बाउल पुदीना चाहिए, सिर्फ पुदीना का पत्ता निकाल रहे हैं, 1 बाउल धनिया का पत्ता और डंडा भी निकाल रहे हैं, इधर ग्रीन चिल्ली और अदरक डाल रहे हैं। सब कुछ अच्छे से स्मूथ पेस्ट करना है ब्लेंडर में। तड़का में घी लगा के जीरा और रेड चिल्ली डाल के अच्छे से मसाला को फ्राई करना है। इसमें पानी थोड़ा डाल के हमने पीसा था, इसीलिए थोड़ा छींटा मारेंगे, इसलिए ढक्कन लगा के 5 मिनट अच्छे से मसाला पकने के लिए छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा पानी सूख गया देखो, तो फिर से हमको 5 मिनट और उसको ढक्कन लगा के पकने से घी है ना, घी बाहर आएगा। 300 ग्राम्स का बेबी पोटैटो हम 2 टुकड़े में काट के डीप फ्राई करके निकालेंगे। मैं विथ स्किन बेबी पोटैटो को काटा हूँ। इसको भी मीडियम फ्लेम में करना है क्योंकि अंदर तक हमारा आलू पकना है। भी उसको ट्रांसफ़र कर लिया। हमारा मसाला के लिए अभी सूख गया पानी पूरा, भी हल्दी, हींग और नमक। नमक अभी आलू में नहीं डाला, इसलिए आलू के लिए हम एक्स्ट्रा नमक डाल रहे हैं। मसाला के साथ छोले डाल के अच्छे से घुमा के और आधा ग्लास पानी और ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा ग्रेवी बनने के लिए। अभी हमारा धनिया और पुदीना का कलर पूरा बाहर आ रहा है, अच्छे से पका था ना। अभी तो रोस्टेड बेबी पोटैटो ऐड करके 10 मिनट लो फ्लेम में उसको पकाना है, तब वो टेस्ट पूरा आलू और छोले में आ जाएगा। इधर पूरी बनाने के लिए 2 बाउल मल्टीग्रेन आटा, 1 टेबलस्पून अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार डाल के, बीटरूट 2 मीडियम साइज बीटरूट को मैंने स्किन निकाल के उसको ब्लेंड करके निकाला था। बीटरूट को डाल के हम उसको नीड करेंगे क्योंकि अलग से पानी यूज नहीं कर रहे। टाइटली पूरी जैसे बनाते आटा उतना ही टाइटली करना है। 20 मिनट रेस्ट भी देना है। 20 मिनट के बाद हमारा पूरी बेल के एक एक पूरी भी हमारा फूल रहा है। देखो छोटा छोटा पूरी बनाई हूँ, सब पूरी हमारा फूल रहा है। सबको पसंद आएगा क्योंकि एक कलर भी अट्रैक्टिव है, सब लोग खुशी खुशी खाएंगे। 10 मिनट के बाद हमारा छोले और आलू खूब धनिया डाल के उस परोसना है। देखो मैं सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, धनिया खूब डालने से और फ्लेवर उबर के आएगा। छोले एंड आलू विदाउट मसाला हमने बनाया, सब लोग ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।